नमस्कार, मैं हूं जिया और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। एक तरफ जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री सफाई को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, वहीं इसको जमीनी स्तर पर सफल बनाने के लिए जिम्मेदार लोग इसमें घोर लापरवाही बरत रहे हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में डेरापुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत अनंतपुर धोकाल गांव में गंदगी फैली हुई है। बारिश का पानी गांव में जमा हो गया है। एक तरफ कोरोना महामारी, वहीं दूसरी तरफ बरसात का पानी गांव में जमा है, जिसकी वजह से लोगों के लिए संक्रमण रोगों का खतरा बना हुआ है। ग्रामीण ने इसकी शिकायत ग्राम पंचायत के प्रधान से कई बार की, लेकिन वह गंदगी को अनदेखा कर रहे हैं। आपको बता दें कि जब द खबरदार न्यूज टीम की स्थिति का जायजा लिया तो पाया कि गांव में जगहों पर पानी निकलने के लिए नाली नहीं है, और यदि कहीं नाली बनी भी है अभी तक वहां बिना सफाई के जाम पड़ी हुई है, जिसकी वजह से बारिश का पानी नालियों में भरा है। ग्राम पंचायत के लोगों ने बताया है कि सरपंच के 5 साल पूरे होने वाले हैं और उन्होंने ग्राम पंचायत के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। नियुक्त किया गया सफाई कर्मी भी कभी नहीं आता है। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश से हमारे रिपोर्टर विकास रावत की यह रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार। कानपुर देहात के अंतर्गत आनंदपुर धोकल गांव आता है, जो कि डेरापुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां पर बारिश का पानी इस गांव में जमा हो गया। नालियां जाम हैं, जिससे गंदगी फैल गई है और जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने कई बार प्रधान जी से की, लेकिन वहां के प्रधान अभी तक उसको ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। वहाँ पर गंदगी का पूरा फैली हुई है और गंदा पानी वहाँ पर भरा हो, जिससे संक्रामक रोग बढ़ सकते हैं। राजधानी लखनऊ से विकास रावत। क्या नाम है जरा आपका? राम शंकर। यहाँ पे जो गंदगी फैली है, नाली का निकास नहीं है, क्या सफाई कर्मी आता है? नहीं आता है। कितने दिनों से नहीं आया है? या हमने ओके कबू देखो नहीं है जब तक। क्या नाम है सफाई कर्मी का? अब जो नहीं बता सकते क्या नाम, जब आओ नहीं कबू बोल चाल भाई, नहीं मुलाकात भाई नहीं। ये जो गाँव में जगह जगह जल भरा हुआ, ये कब से है? ये अभी बरसात से चालू हुआ है तो भरू है। इसको लेकर आपने ग्राम प्रधान से कभी शिकायत की है? कई दें कही है। क्या बोले? कहा तो अभी नहीं बनेगी, जब ऐसा टाइम आएगा तब बनेगी। जगह जगह नालियां जाम है, सफाई कर्मी नहीं आता है? नहीं आता है। कौन है सफाई कर्मी का नाम पता है? नहीं, नाम नहीं मालूम। समाज सेवी हूँ। सामने देखो, सामने कहाँ रहते हैं? अनंतपुर धोकल। आज आपके गाँव में जगह जगह जल भरा हुआ, क्या है प्रोग्राम? जैसे कि हमारे गांव ग्राम प्रधान आनंदपुर धोकल के सुशील सिंह गौर हैं इस टाइम, उनको ये बात सोचनी चाहिए, मतलब ग्राम का किस तरीके से विकास करना है और किस मुद्दे पे विकास करना है, ये तो सारी चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। और ये ग्राम प्रधान सुशील सिंह से आप पूछिएगा तो वो आपको ज़्यादा बेटर बताएंगे। वो चार साल पूरी हो गई हैं और मतलब 5वीं साल भी पूरी ख़त्म हो रही है। आप एक समाज सेवी, आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं जनता के लिए? मेरी यही प्रयास है जनता के लिए। मैं माननीय अभी मंत्री जी को भी दिया है और सांसद देवेंद्र सिंह भोले जी को भी दिया अपने गांव के विषय में। सर, हमारे गांव में इस टाइम बड़ी गंदगी है। और माननीय मंत्री जी ने, सांसद जी ने, मंत्री इनका मैं दिखवाता हूँ, हर संभव मदद करूँ। क्या माना जाए प्रधान की पूरी तरीके से घोर लापरवाही गाँव में सामने आ रहा है, वो आपको भी दिख रही है और हमको भी दिख रही है। यहाँ पे जो तैनात सफाई कर्मचारी हैं वो भी अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। अब जब गाँव का मुखिया ही नहीं सही होगा तो सफाई कर्मी कहाँ से सही होंगे, बताइए।